भगवान श्री राम का हुआ जन्म गाय मंगल ये मनाया श्री राम जन्मोत्सव हर्षोल्लास से। आदर्श जीवन व मर्यादाओं में जीवन जीना सिखाती है श्री राम कथा। उक्त बात कही पंडित नरेंद्र शर्मा ने। नमस्कार, मैं हूं गोपालदास बैरागी और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए श्री राम नवमी व श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर खास खबर। सूर्य वंश व रघुकुल के राजा व अयोध्या नरेश राजा दशरथ की तीन पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा व केकई से जन्मे भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न। भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में त्रेता युग में भगवान श्री राम ने राजा दशरथ के घर जन्म लेकर आतताई दानवों का सर्वनाश करते हुए जन कल्याण किया है। भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण श्री राम कथा के माध्यम से पंडित नरेंद्र शर्मा आंगनकेड़ी के मुखारविंद से गांव कड़ी बुजुर्ग में किया जा रहा है। पटेल राम नारायण गुजर व स्वर्गीय बदरीलाल गुजर दोनों भाइयों द्वारा अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में भगवान श्री हनुमान जी का मनमोहक मंदिर निर्माण करवाया गया है, जिस पर कलश प्रतिष्ठा 23 अप्रैल को श्री हनुमान जन्मोत्सव पर होगी। विगत दिनांक 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक निरंतर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक संगीतमय श्री राम कथा गांव कड़ी बुजुर्ग में प्रसारित हो रही है। दिनांक 20 अप्रैल को श्री राम कथा में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और कथा में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। दिनांक 21 अप्रैल को भगवान श्री राम व जानकी के विवाह का प्रसंग होगा व श्री हनुमान मंदिर पर 21 से 23 अप्रैल तक निरंतर 3 दिन तक यज्ञ आहुत होगा। दिनांक 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे बड़ी खड़ी गांव में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। दिनांक 23 अप्रैल को कलश प्रतिष्ठा व श्री राम की कथा की पूर्णाहुति महाप्रसादी के साथ होगी। फागना परिवार बड़ी खड़ी के राजू गुजर, बलवंत गुजर, अर्जुन गुजर, लाला गुजर सहित समस्त ग्राम वासियों ने सभी धर्म प्रेमी जन से अपील की है कि आप सभी जन सपरिवार उक्त धार्मिक कार्यक्रम में पधारकर धर्म लाभ लें।